Assalamualaikum, my dear student. आज हम अटेम्प्ट करेंगे सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रल e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर ए एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनटू बी एक्स माइनस टेन इनवर्स b over a plus constant of integration. हमें इसे प्रूफ करना है. इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, मैं इसे इंटीग्रल के इक्वल ले लेता हूँ. लेट किया इंटीग्रल है e to the power ax sin bx dx. अब ये स्टूडेंट हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि अगर हमारे पास फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया हुआ है i8. और यहां पर आप नोटिस करें पहले क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. तो यहां पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल जो है सेकंड फंक्शन है. अब इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अप्लाई करने से पहले आपको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है. हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है साइन बी एक्स और हमारे पास साइन बी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस बी एक्स देन एंगल का डेरिवेटिव यानी बी कॉस बी एक्स. और जो हमारे पास सेकंड फंक्शन है हमें उसकी इंटीग्रेशन का पता होना चाहिए, ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स पर सेम देन ए एक्स के डेरिवेटिव से डिवाइड और ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा ए. तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसे अप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स. इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अप्लाई किया, फर्स्ट फंक्शन सेम, फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास साइन बी एक्स, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स अपॉन ए, देन माइनस इंटीग्रल फॉर्मूले का इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यही उठाकर यहाँ राइट कर देंगे ई टू द पावर एक्स अपॉन ए और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा बी कॉस बी एक्स. अब हम क्या करेंगे, अगेन से सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर e to the power ax sin bx upon a minus यहाँ से b कॉमन लेंगे b upon a constant start में राइट करेंगे तो ये बनेगा e to the power ax cos bx dx. अब क्या करेंगे, इस पे अगेन अप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स. अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये सेकंड फंक्शन है. अगेन अप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स की सेम राइट कर देंगे i = e to the power ax sin bx upon a माइनस बी ओवर ए, यहाँ पर अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन सेम, यहाँ पर cos bx सेकंड की इंटीग्रेशन e टू द पावर ax अपॉन a माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस का b sin bx into dx. अब इसे डियर स्टूडेंट अगेन हम सिंपलीफाई करेंगे e टू द पावर ax sin bx अपॉन a माइनस ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ से तो ये बनेगा b अपॉन a और a ये बनेगा a स्क्वायर e टू द पावर ax cos bx, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और यहाँ से प्लस माइनस माइनस ये बनेगा यहाँ से b और एक यहाँ से b ये बनेगा b स्क्वायर सेम यहाँ से एक a और एक यहाँ से अपॉन a स्क्वायर e टू द पावर ax sin bx dx. अब लेफ्ट साइड पे क्या है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास है i, अगेन से सिंपलीफाई करेंगे, अगेन सिंपलीफाई करते हुए लेफ्ट साइड पे हमारे पास i है, राइट साइड पे e टू द पावर ax sin bx अपॉन a माइनस b अपॉन a स्क्वायर e टू द पावर ax cos bx माइनस b अपॉन a स्क्वायर. और डियर स्टूडेंट आप नोटिस करें ये दोबारा से क्वेश्चन बन चुका है जो कि हमने आई के इक्वल लिया हुआ है. अब ये माइनस वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव बनेगी यानी आई प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई और यहाँ पर e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन ए माइनस बी ओवर
a स्क्वायर e टू द पावर ax cos dx। अब आप नोटिस करें राइट साइड पे e टू द पावर ax कॉमन आ रहा है, लेफ्ट साइड पे एलसीएम ले रहे हैं, a स्क्वायर यहां बनेगा a स्क्वायर इनटू i प्लस b स्क्वायर इनटू i इज इक्वल टू राइट साइड पे e टू द पावर ax कॉमन लिया तो ये बना हमारे पास sin bx अपॉन a माइनस b अपॉन a स्क्वायर और यहां पर साथ क्या आएगा इनटू में cos cos bx। अब यहां पर इसे हम अगेन सिंपलीफाई करते हैं, लेफ्ट साइड से आप नोटिस करें i कॉमन आ रहा है ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर यहां पर e टू द पावर ax एलसीएम लेंगे डियर स्टूडेंट क्या एलसीएम आएगा a स्क्वायर एलसीएम आएगा तो ये बनेगा हमारे पास a sin bx और यहां पर क्या बनेगा हमारे पास माइनस का b cos bx। अब आप नोटिस करें राइट साइड से इंटीग्रल एलिमिनेट हो चुका है, जैसे ही इंटीग्रल एलिमिनेट हो चुका होगा तो यहां पर हम प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे। अब आप नोटिस करें ये वैल्यू इससे कैंसिल, हमारे पास लेफ्ट साइड पे i है ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहां पर हमारे पास क्या है a sin bx माइनस b cos bx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां पर इसे हम मेंशन कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसे हम फर्दर सिंपलीफाई करेंगे सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें रिक्वायर्ड फॉर्म बनानी है और वैसे भी यहां पर हमें राइट साइड में जो गिवन है a टू द पावर ax अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू sin इनटू bx माइनस tan इनवर्स b ओवर a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है तो हम इसे फर्दर रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पुट करते हैं साइन के तो साथ a इज इक्वल टू r cos थीटा एंड जो b का कोफिशिएंट b इज इक्वल टू r sin थीटा। नेक्स्ट ईयर करेंगे स्केलिंग एंड एडिंग तो डेफिनेटली यहां पर हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आप नोटिस करें राइट साइड से r स्क्वायर कॉमन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हमारे पास आइडेंटिटी है जिसके इक्वल होता है 1 तो यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर दिस इंप्लाइज दैट रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू r यहां से हम r की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम थीटा कैलकुलेट करेंगे, थीटा कैलकुलेट करने के लिए आल्सो सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट कर देंगे b ओवर a यहां पर r sin थीटा अपॉन r cos थीटा r r से कैंसिल तो ये बनेगा हमारे पास tan थीटा तो थीटा क्या आएगा tan को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स b over a is equal to theta। अब ये स्टूडेंट हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे पुटिंग इन 1 वी गेट जब हम 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड क्या है i is equal to e to the power ax upon a square plus b square a की वैल्यू क्या है a की वैल्यू r cos theta साथ sin bx माइनस b की वैल्यू क्या है r sin थीटा इनटू cos bx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप नोटिस करें राइट साइड से r कॉमन है तो यहां पर बनेगा e टू द पावर ax r और यहां पर इसको रीअरेंज करता हूं sin bx cos थीटा माइनस cos bx sin थीटा क्यों रीअरेंज किया क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta ये हमारे पास फार्मूला आता था because sin of alpha minus beta is equal to sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta। अगेन से सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा i is equal to a to the power ax ये ओवर में क्या था a square plus b square था डियर स्टूडेंट यहां r की वैल्यू की हमारे पास r की वैल्यू क्या है r की वैल्यू है रूट a square plus b square अपॉन यहां पर है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको ऐसे राइट कर सकता हूँ जस्ट एक कैंसिल करने के लिए, ये एक पावर हाफ पावर कैंसिल हो जाएगी और इसको माइनस करेंगे ये बनेगा साइन अल्फा माइनस बीटा जो कि इस वक्त थीटा है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम इसे अगेन सिंपलीफाई करते हैं, आई इज इक्वल टू ए टू द पावर ए एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर बनेगा साइन बी एक्स माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है टेंजेंट इनवर्स बी ओवर ए और प्लस हमारे पास क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और ये किसके इक्वल आ चुका है, इक्वल आ चुका है राइट हैंड साइड के, तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल क्वेश्चन था जो हमने अटेम्प्ट किया। थैंक यू सो मच।